अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ अचारी की मालू, जो कि बहुत ही यम्मी बनता है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है और जल्दी बन जाने वाली है झटपट। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया है और इसे ब्लेंड कर लिया है। तो अब इसमें हम ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, मैं इसमें हाफ कप डालूंगी। अगर आपको ज़्यादा ऑयल चाहिए तो ज़्यादा डाल दें, कम चाहिए तो कम, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। तो अब इसको हम ब्राउन कर लेते हैं, लाइट ब्राउन प्याज़ों को। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ये लाइट ब्राउन हो गए हैं हमारा मसाला, तो अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देते हैं। तीन टेबल स्पून के बराबर मैंने डाला फिर, और साथ ही में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं एक टेबल स्पून। इसके साथ ही हम अचारी मसाला डाल देते हैं दो टेबल स्पून। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसमें कीमा डाल देते हैं। बस प्याज ब्राउन होने की देर है, फिर जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें स्टेप हो जाते हैं कुकिंग के। चिकन कीमा है ये बहुत जल्दी बन जाता है, बीफ कीमा थोड़ा टाइम लेता है। ये अचारी मसाला जो है घर का है, इसमें मैं नमक नहीं डालती हूँ, जो मसाले होते हैं नमक शामिल नहीं करती हूँ, इसलिए हम नमक डालेंगे इसलिए। एक टीस्पून मैंने डाला है नमक, फिर बाद में चेक कर लेंगे। मैंने इसे ढक के रख दिया था पकने के लिए, 5-6 मिनट ये पका है। अब हम इसमें आलू, अब इसमें आलू हम बॉईल किए हुए डाल देंगे। ये मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिए थे आलू, इसमें टाइम की भी बचत होती है और जल्दी से हो जाता है काम। ये हमारा अचारी आलू कीमा तैयार है, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना है और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है। इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी थी और गरम मसाला, तो वो क्लिप नहीं मैं शूट कर पाई, तो माजरत। अब ये तैयार हो गया, ऊपर मैंने गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च डाल दी है काट के, और बहुत ही यम्मी है रेसिपी। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का भी, अपने घर वालों का भी। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।